मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सूजी से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता। ये ऐसे स्नैक्स की रेसिपी है जिसे आप शाम की चाय हो या फिर आपके घर में कभी कोई पार्टी, तो आप किसी भी समय इसे पहले से भी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना है तो आप इसे फ्राई करें और सर्व करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकीट रिपीट। मैं रितु गुप्ता अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गरम किया है और उसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये पानी हम उबाल लेंगे और ध्यान रखें हमें मेजरमेंट के हिसाब से ही इसमें चीजें लेनी है। हमने 1 कप पानी डाला है, जिस कप से पानी डाला है हमें आगे भी उसी कप से नाप कर इसमें सूजी डालनी है। तो इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है और अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है देखिए, तो अब मैं यहाँ पर इसमें 1 कप सूजी मिक्स कर रही हूँ। 1 कप सूजी ली है, जिस कप से मैंने पानी डाला था सूजी भी मैंने उसी कप से नापी है, तो इसीलिए ध्यान से नाप कर ही डालें। अगर आप कोई कटोरी से नाप रहे हैं तो कटोरी लें, गिलास लें, जिस तरह से भी तो सेम ही लें। और गैस का फ्लेम इस समय पर बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगी तो हम इसे ढककर रख देंगे ताकि स्टीम में अच्छी तरह से सूजी फूल जाएगी। तो अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कि अच्छी तरह से सूजी फूल जाएगी। और अब हम आगे का प्रोसेसर करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। ये आलू को उबालने के बाद छील लिया है और अब मैं इन्हें कद्दूकस कर लूंगी। और आलू को कद्दूकस करने से पहले ध्यान रखें आलू बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए, बिल्कुल भी गर्म ना हो आलू। तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब हम सूजी को भी चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गई हैं तो देखिए सूजी खोल लेते हैं, पूरी तरह से सूजी फूल गई है और बिल्कुल हार्ड हो गई है, जैसे हमें आटा तैयार करते हैं इस तरह से हो गई है। तो अब हाथ में लेकर चेक कर लें कि हमें बिल्कुल डो की तरह ये सूजी चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह से तैयार हो गई है। तो अब हमें एक ऐसे बड़े मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे सूजी को और अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। इसमें जो भी लम्स है वो निकल जाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल एक आटे की तरह चाहिए, जैसे हम चपाती का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से हमें ये सूजी चाहिए हार्ड। तो सूजी को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल हाथ पे भी नहीं चिपक रही है, बिल्कुल प्लेन है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें सूजी चाहिए। तो अब जो हमने आलू कद्दूकस किए थे वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर ली है बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया करीब आधा कप, हरे धनिया क्वांटिटी थोड़ा हम इसमें ज्यादा डालेंगे, और 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं, और ये है ऑरिगेनो, पिज्जा सीजनिंग में भी इसे यूज करते हैं, 1 छोटा चम्मच नमक। और अब ये सभी चीजें हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं और इसको एक डो की तरह तैयार कर लेते हैं, जैसे चपाती बनाने का आटा होता है उसी तरह से हम इसको स्मूथ तैयार कर लेंगे, सभी चीजें सूजी वाले डो में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आटे की तरह तैयार हो गया है, बिल्कुल हाथ से चिपक भी नहीं रहा है। तो अब मैंने एक चकला लिया है और हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी हाथ पर ना चिपके, और चकले पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आप इसकी जगह कोई चॉपिंग बोर्ड या बोर्ड भी ले सकते हैं। तो एक जो मिक्सर है इसमें से एक छोटी सी नींबू के आकार की बॉल लेंगे और इस तरह से हाथ पर रोल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे चकले पर रोल कर लेंगे बिल्कुल एक साथ करीब आधा इंच की मोटाई में, ऐसे बिल्कुल एक सार कर लें और इसे निकालकर अब हम प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। आप जब ये रोल तैयार हो जाएं तो मैं तो इन्हें तुरंत ही फ्राई कर लूंगी, लेकिन आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं, स्टोर करके 2 से 3 दिन आप फ्रीजर में रखें और जब भी आपके घर पार्टी हो या
जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इन्हें फ्रीजर से निकालें, फ्राई करें और आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। ये सारी फ्रेंच फ्राइज, सूजी के सारे रोल्स तैयार हो गए हैं, तो आप इन्हें करीब आधा घंटे फ्रिजर में भी रख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और अब सारे फ्राइज में इसमें ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। एक एक करके सभी मैं इस ऑयल में सेट कर दूंगी और गैस का फ्लेम इस समय पर हाई ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ये नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज तो इसमें घी भर जाएगा। तो इन्हें मीडियम से हाई पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाए तभी इन्हें पलट लें हल्का सा, और इस तरह से पलटते हुए गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में एक बैच तैयार हो जाता है इसका। और ये फ्रेंच फ्राइज बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे होते हैं सूजी और आलू के फ्रेंच फ्राइज। तो देखिए इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं ऑयल निकालते हुए इन्हें प्लेट पर टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। तो देखिए गर्मा गर्म सूजी के फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो गए हैं और मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है ये और बहुत अंदर से सॉफ्ट भी है और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। शाम की चाय हो या फिर कोई गेट टुगेदर, तो आप ये सूजी के फ्रेंच फ्राइज तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि आप इन्हें पहले से ही तैयार करके फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। बस जब भी आपका खाने का मन हो या आपके घर पार्टी हो, आप इन्हें फ्राई करें और इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।